मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल्याण लोकसभा से वैसे तो कई उम्मीदवार हैं जिसमें कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं। ऐसे में कई उम्मीदवारों पर ये भी आरोप लग रहा है कि सिर्फ वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह कल्याण लोकसभा सीट से जफर सैयद भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा था। वहीं वंचित बहुजन ने भी कल्याण लोकसभा सीट से उम्मीदवार संजय हेड़ो को मैदान में उतारा है, जिसके बाद MIM की तरफ से जफर सैयद पर दबाव पड़ने लगा, ऐसी खबरें सामने आने लगी। मगर आज जफर सैयद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार संजय हेड़ो को समर्थन देने की बात की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठाणे जिला अध्यक्ष अयाज गुलजार मौलवी, ठाणे जिला ज्वाइंट सेक्रेटरी अमजद बरकाती, कलवा मुमरा विधानसभा जनरल सेक्रेटरी बरकत उर्फ गुंजन सेठ, जफर सैयद, वंचित बहुजन के उम्मीदवार संजय हेड़ो मौजूद थे। 24 कल्याण लोकसभा मतदार संघ से अपक्ष कैंडिडेट के हिसाब से चुनाव लड़ रहा हूँ। आज जो ये पत्रकार परिषद है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव है, देश के पंचायत चुनाव का सबसे बड़ा चुनाव है। यहाँ गटर नाले रोड के साफ सफाई का चुनाव नहीं है, बल्कि ये विचारों का, संविधान बचाने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का ये चुनाव है। इससे जीत करके कैंडिडेट जब जाता है तो पूरे हिंदुस्तान के संविधान को, ऊंच नीच के भेदभाव को, गरीबों के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करता है। ऐसे में उस विचारधारा को हमको बढ़ावा देना है जो गरीबों का, वंचित का, आदिवासियों का, माइनॉरिटीज़ का, SC ST OBCs का के सपोर्ट में जो आवाज़ उठाता हो, उसके हिसाब से हम आज अपना ये समर्थन MIM पार्टी के और भारी पार्टी के वंचित आघाड़ी के कैंडिडेट श्री संजय हेड़ाव जी को मैं समर्थन अर्पित करता हूँ। और ये इस बेसिस पे समर्थन अर्पित करता हूँ कि इन दो पार्टियों के जो सर्वे सर्वा हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनको मैं कई दिनों से, कई सालों से देखते आया हूं कि उसमें ख़ास तौर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हमेशा संसद भवन को गरीबों के विकास के लिए, मुस्लिमों के लिए, वंचित लोगों के लिए पूरे ऐवान को हिला करके रख दिया। हमें जो समर्थन दिया है, हम उस बात का स्वीकार करते हैं और जफर साहब को धन्यवाद देते हैं। जफर साहब हमसे जुड़ने के बाद में यकीनन वंचित बहुजन आघाड़ी की ताकत बढ़ गई है और हमारा जो चुनाव यहाँ हो रहा है, यकीनन जफर साहब और हमारे उनके समुदाय की ओर से हम यकीनन ये चुनाव में हमारी फतह बिल्कुल क्लियर हो गई है और अभी चुनाव अब हम जीत रहे हैं। तो जब भी कॉर्पोरेशन लड़ रहे थे तभी यही हुआ कि ये बिक गए, ये मेहनत हो गए, ये क्या लड़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम इनका, इनको भरपूर टक्कर दिए। हम दो नगर सेवक चुन के भी आए और इंशाल्लाह आगे भी हम इनसे लड़ते रहेंगे। हम वंचित आघाड़ी और क्या नाम है अपने असदुद्दीन ओवैसी साहब की आदेश सर आँखों पे रख के हम इनके साथ में जितनी ताकत लगेगी, उत्तर भारतीय, आदिवासी और वंचित आघाड़ी सब मिलकर हम लड़ेंगे और इनके साथ इंशाल्लाह करेंगे। और लोग उम्मीद है ना हमारे साथ में, हम उनके साथ में, हम ईमानदारी से उनके साथ में खड़े हैं, वो भी हमारे साथ में ईमानदारी से खड़े रहेंगे। हमारे साथ में छोटे भाई अयाज मौलवी साहब है, अमजद बरकाती साहब है, राजा साहब है, बहुत से लोग हैं हमारे साथ में, वंचित के भी लोग हमारे साथ में बैठे हैं, सब पत्रकार में सब मेरे साथ में। इंशाल्लाह कल हम दिखा देंगे मुमरा को कि वंचित आघाड़ी और MIM क्या ताकत रखती है मुमरा के अंदर। MIM पार्टी और वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार संजय हेड़ाव को सपोर्ट करने का आज यहाँ पे ऐलान किया और कल उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी रैली रखी है थाना में। और मैं गुंजन सेठ का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसके अंदर गुंजन सेठ और मैं एक हफ्ते से कोशिश में लगे हुए थे, जफर साहब को हमने समझाया और उनको पीछे होने के लिए कहा और कहा कि असद साहब ने जब प्रकाश अम्बेडकर साहब को बड़ा भाई माना है तो हम लोग छोटे भाई है और हमारे प्रकाश अंबेडकर के जो भी उम्मीदवार संजय हेड़ाव को दिया है
तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ में चलो और ये सीट को हमको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता लें। मगर वही विधानसभा चुनाव में गुंजन सेठ भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, ऐसे में उन्हें वंचित बहुजन अघाड़ी का पूरा साथ मिलेगा। फिलहाल पार्टी के आलाकमान के हुक्म के बाद जफर सैयद ने संजय हेड़ो को समर्थन दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन दोनों की जोड़ी कितना रंग लाती है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।